नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी फैक्टर में। इस वीडियो में बात करने वाला है आज के ड्रीम 11 एसटी लुसिया T10 का जो पहला मुकाबला होगा फ्रेंड्स, जो कि होगा मैच नंबर वैसे 11, जो कि यहाँ पे खेला जाएगा गाइस मैबोया वैली कॉन्स्ट्रक्टर वर्सेस मैकॉट एगल्स के बीच में। इसकी हम लोग यहाँ पे आप लोग को ड्रीम 11 की स्मॉल लीग की प्राइम टीम प्लस ग्रैंड लीग के लिए आप लोग को यहाँ पे स्पेशल से पिक बताऊंगा, जिनको कि आप लोग ग्रैंड लीग में यहाँ पे पिक करके गाइस बहुत अच्छी आप लोग यहाँ पे रैंक मिला सकते हो। ठीक है गाइस, तो सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलने वाला है इस मैच के रिगार्डिंग। सबसे पहले गाइस जो हमारा आज का रिजल्ट रहा उसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप की तरफ, जहाँ पे गाइस हम लोगों ने आपको जो रिसेंट मैच हुआ T10 के उनकी टीम दी थी, उनका परफॉर्मेंस आप लोग यहां पे देख सकते हो गाइस। किस तरीके से हम लोग चाहे स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहां पे अल्ट्रा से अल्ट्रा क्लीन स्वीप को किया। आप लोग यहां पे आके चेक कर सकते हो किस लेवल की विनिंग्स है गाइस। आप लोग को लगभग सारी लीगें जितनी भी हम लोगों ने यहां पे कवर की है सारी की सारी लगभग आप लोगों को विनिंग जोन में आपको दिखेगी। ठीक है, आप लोग यहां पे विनिंग्स देख सकते हो गाइस, बहुत सारी यहां पे आपको विनिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है, कल की बात करूंगा, कल भी आप लोग देखोगे गाइस तो कल रात को भी हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से विन किया था यहां पे T10 में। ठीक है, इसके अलावा गाइस आप लोग देखोगे तो इससे पहले भी जो यहां पे हमारे मुकाबले रहे लगभग आप लोग देखोगे 90% से ऊपर आप लोगों को यहाँ पे क्लीन स्वीप मैक्सिमम मैचेस दिखेंगे। ठीक है, इसका रीजन है गाइस हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, टीम कॉम्बिनेशन कैसे बनता है इसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे मैं स्पेशली बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ आप लोग लास्ट तक जरूर से बने रहिए, सारे के सारे डाउट्स आप लोगों के यहाँ पे क्लियर होने वाले। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे गाइस यहाँ पे दोनों टीमों की करंट फॉर्म की। ठीक है, सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे MSC की, यानी कि मैक की। ठीक है, तो मैक ने गाइस इस सीजन कोई भी मैच नहीं खेला, इनका पहला मुकाबला होगा। लेकिन रिसेंट जो 2020 में इन्होंने मुकाबले खेले उनमें से देखोगे गाइस चार जो मुकाबले इन्होंने 2020 में खेले, ठीक है, चार में से आप लोग देखो सिर्फ एक मुकाबला इन्होंने विन किया, बाकी तीन मुकाबले इन्होंने यहाँ पे हारे। यानी कि गाइस इनका 2020 में फॉर्म कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इसके बेस पे यहाँ पे मान सकते हो गाइस ये टीम कुछ खास नहीं है। ठीक है, वहीं बात करूँ गाइस यहाँ पे एम ए की, यानी कि मैकॉट ईगल्स की। ठीक है, मैकॉट ईगल्स ने इस सीजन यहाँ पे 2021 में चार मैच खेले, चार के चार मुकाबले यहाँ पे बहुत ही धमाकेदार तरीके से विन किए। देख सकते हो गाइस यहाँ पे कभी कभी इनका एक, कभी दो, कभी पांच, कभी चार, हाईस्ट विकेट पांच गिरे जो पहले मुकाबले में गिरे। इसके अलावा आप लोग देखोगे इनके विकेट भी बहुत कम गिरते हैं, यानी कि वन साइडेड ये मुकाबला होने के चांसेस है कि मैकॉट ईगल्स इस मुकाबले को वन साइडेड यहाँ पे विन कर सकता है। यानी कि गाइज अगर पहले आपको यहाँ पे मैकॉट ईगल्स बैटिंग करते हुए नजर आएगा तो ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे गाइज 90 से और 100 के बीच में आपको यहाँ पे रन बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, दो से तीन विकेट आप लोग मान सकते हैं इनके जो ऑन एन एवरेज अभी तक जो गिर रहे हैं उसके बेस पे आपको बता रहा हूँ इतने निकल सकते हैं। ठीक है, वहीं बात करोगे अगर पहले बैटिंग करेंगे यहाँ पे गाइज MSC की टीम, ठीक है, तो आपको गाइज यहाँ पे 75 से और 90 के बीच में आप लोगों को यहाँ पे रन देखने को मिल सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है गाइस इस टीम के मैक्सिमम विकेट गिरेंगे, जिस देख सकते हो यहाँ पे लास्ट के जो सेकंड मैच होता है इसमें 10 विकेट, उसके अलावा यहाँ पे 7 7, दो बार 7, एक बार 10, एक बार 5 विकेट। ठीक है, जो मुकाबला इनके उसमें भी इनके 5 विकेट गिरे, यानी कि गाइज आप लोग 7 से 8 विकेट इनके ऑन एवरेज लेके चल सकते हो। यानी कि गाइज यहाँ पे मैकॉट ईगल्स के जो बॉलर है बहुत अच्छा एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाला अगर पहले बैटिंग करेगी यहाँ पे MSC की टीम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखें, टॉस के बाद अगर MSC पहले बैटिंग करिए ना तो मैकॉट ईगल्स के सारे बॉलर पिक करिए, उनको आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते रहिए। ठीक है, ग्रैंड लीग की जितनी भी टीमें आप बनाओगे उनमें आप लोग यही चीज करना, डेफिनेटली आप लोग की बहुत अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, तो ग्रैंड लीग का आपका फंडा क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे दोनों टीमों का थोड़ा सा स्टैट और बिजली रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता तो चले इन्होंने तो चार मुकाबले खेल लिया। ठीक है, यहाँ पे मैकॉट ईगल्स के ने तो लगभग आपको प्लेइंग 11 तो पता होगी, लेकिन गाइज आप लोग को यहाँ पे MSC की तरफ से आप लोग को यहाँ पे प्लेइंग 11 और जो भी प्लेयर का स्टैट है सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलने वाला। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट की बात करूंगा तो गाइज आपको पता ये वाला मुकाबला जो होने वाला ड्रेंस एम स्टेडियम में होने वाला, जो कि एक बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, पेसर को यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी हेल्प मिलती है एज कंपेयर टू स्पिनर। तो गाइज यहाँ पे आप लोग ऑन एन एवरेज फर्स्ट इनिंग का अभी तक जो जितने मुकाबले हुए उनके बेस पे देखोगे तो 80 के आसपास आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में रन बनते नजर आएंगे। ठीक है, चेजिंग की बात करूँ तो 80% यहाँ पे चेजिंग है, यानी कि गाइज जो टीम यहाँ पे चेज करेगी ना उसके विन करने के चांस यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो 10 मुकाबले आप लोग चेज वाले देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट गाइज, ठीक है, 10 में से गाइज आप लोग देखोगे 7 मुकाबले यहाँ पे चेज करने वाली टीम ने विन किया। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग टीम 1-7 out of 10, यानी कि 10 में से 7 मुकाबले यहाँ पे चेज करने वाली टीम ने विन किया, तो चेजिंग बहुत अच्छा यहाँ पे है, बहुत इजी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैकॉट ईगल्स की हम लोग प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे इनके तब से एस चार्ल्स ओपन करेंगे, लास्ट के चार मैचों का परफॉर्मेंस देख सकते हो यहाँ पे 36-16 लास्ट का, उसके अलावा ये वाला मुकाबला नहीं खेले थे यहाँ पे 4 रन। ठीक है, यहाँ पे एम वाइल्स की बात करो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी टीम में ट्राई करना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज इनकी तरफ से एम वाइल्स ने गाइज यहाँ पे 10-31-55-24 चार बहुत गजब की इनिंग खेली। ठीक है, इसके अलावा गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनकी तरफ से जो है यहाँ पे तारिक एडवर्ड। ठीक है, तारिक एडवर्ड ने देख सकते हो गाइज एक एक, यानी कि चार मैचों में 2 विकेट यहाँ पे निकाले, 2 मैचों में विकेट नहीं मिला, स्टार्टिंग के 2 मैचों में एक एक विकेट मिला। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइज गैरविन सेरिक्स है जो कि आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेंगे, 4-19-6-4। ठीक है, ठीक ठाक प्लेयर है, ग्राइंडिंग में ट्राई करना, स्मॉलिंग में छोड़ देना। ठीक है, डेरन सेमी ने अभी तक गाइज कुछ खास नहीं किया, लास्ट के मुकाबले 21 रन बनाए थे, उससे पहले बेस्ट मुकाबले में 2 रन, 2 मैचों में गाइज इनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो यहाँ पे गाइज डेरन सेमी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ग्राइंडिंग में आप लोग ध्यान देना। ठीक है, ग्राइंडिंग में स्पेशल पिक हो सकता है आप लोग के लिए डेरन सेमी। ठीक है, आज के मुकाबले में कुछ कर सकते
सकते हैं, अदरवाइज आप लोग स्मॉल लीग में यहाँ पे ड्रॉप करके चल सकते हैं। एम सेमी की बात करूँगा, यहाँ पे देख सकते हो 13 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, फिर यहाँ पे इनकी बैटिंग नहीं आई, 2 रन यहाँ पे कोई विकेट इन्हें नहीं मिला, यानी कि गाइज काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर यहाँ पे एम सेमी आप लोग के लिए हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में देखा आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे किया, लास्ट के 2 मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस इनका भी नहीं रहा है। ठीक है, एल सेमी की बात करूँगा तो देख सकते हो गाइज लास्ट स्टार्टिंग 2 मैच नहीं खेले, उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो 2 विकेट निकाले, फिर यहाँ पे 3 विकेट इन्होंने निकाले, तो इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे एल सेमी भी। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे कुस्टन जूल्स आएंगे, कुस्टन जूल्स की भी बात करूँ तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे पहले मुकाबले में 7 रन, दूसरा नहीं खेले, तीसरे में गाइज यहाँ पे कोई विकेट नहीं, और चौथा जो मुकाबला खेला था उसमें 2 विकेट इन्होंने निकाले। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे विकेट टेकिंग है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे एरविन की बात करो तो इनको भी अभी तक कोई विकेट नहीं मिला, 2 मैचों में खेला, 2 मैचों में नहीं खेला, लेकिन अभी विकेट इनके हाथ नहीं मिला। ठीक है, डेरन सेमी जूनियर की बात करो तो अभी तक 4 मैच खेले, पहले मुकाबले में विकेट नहीं, दूसरे में विकेट नहीं, तीसरे में 1 विकेट, चौथा इन्होंने नहीं खेला। ठीक है, एम चार्ली की बात करो तो स्टार्टिंग में 2 मैचों में 1-1 विकेट, उसके अलावा लास्ट के 2 मैचों में कोई विकेट इन्हें नहीं मिला। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मिकॉट ईगल्स की प्लेइंग 11 थी, ऑलमोस्ट आपको पता होगा एमएससी की प्लेइंग 11 हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग एमएससी की तरफ से ओ चेंगू को आप लोग ओपन करते हुए नजर आएगा आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 7 रन जो लास्ट के 4 मैच हुए ना, मैंने आपको 2020 बताया उनका परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। ठीक है, 7, 39, 2, 10, ठीक है, मतलब ठीक ठाक प्लेयर, कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो गाइज जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो कि ओपन करने आएगा यहाँ पे, कभी कभी फर्स्ट डाउन में आता है यहाँ पे सी पोलिस की बात करो देख सकते हो पहला मैच जो खेला था 2020 में 29 रन 0 विकेट, उसके अलावा यहाँ पे 21 रन 1 विकेट, यहाँ पे 1 रन 1 विकेट। ठीक है, और इसके अलावा गाइज एक और मुकाबला इन्होंने खेला था जहाँ पे ओपन किया था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 30 रन और 2 विकेट, काफी इंपॉर्टेंट है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी आप लोग इस बंदे को दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे जेड इमुंड के साथ मतलब जो फर्स्ट डाउन यहाँ पे आएंगे, बेसिकली इनका फर्स्ट डाउन का बैट्समैन है। ठीक है, लास्ट के 4 मैच देख सकते हो यहाँ पे 34, 3, 16, 8, ठीक है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था लास्ट के सीजन में। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे गाइज आएगा एम सोल्टी की बात करो 12 देख सकते हो कोई विकेट नहीं, दूसरा में 2 रन 1 विकेट, ठीक है, तीसरे में यहाँ पे 1 विकेट, चौथे में गाइज यहाँ पे फर्स्ट डाउन ये बंदा आ गया था 1 रन और 1 विकेट इसने निकाला। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये भी है एम सोल्टी, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, आर स्मिथ की बात करूंगा जो इनका मतलब मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है, देख सकते हो गाइज यहाँ पे पहले मुकाबले में 1 रन 1 विकेट, दूसरे में भी 1 रन 1 विकेट, तीसरे में भी यहाँ पे 1 विकेट, दूसरे चौथे में 2 विकेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी रख लेना आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डी स्मिथ ने एक मुकाबला खेला था लास्ट के सीजन में, 7 रन बनाए थे। ठीक है, लॉयसी ने गाइज कोई मुकाबला नहीं खेला अभी तक, फिर देखना पड़ेगा इस मुकाबले में क्या रोल यहाँ पे लॉयसी का रहता है। ठीक है, यहाँ पे सी एंगी की बात करूँ तो देख सकते हो गाइज आप लोग एंगी ने यहाँ पे पहले मैच में कोई विकेट नहीं, दूसरे में 2 विकेट, तीसरे में कोई विकेट नहीं, चौथे में भी कोई विकेट नहीं, यानी कि गाइज टोटल जो 4 मैच खेले उनमें 2 विकेट निकाले, वो भी सिर्फ एक मुकाबले में निकाले, तो ग्राइंडिंग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में स्किप करके चल सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे एंड डेटर विले ने एडल ड्रिल ने 3 रन बनाए खाली, कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, तो इनको भी स्किप करके चलना। ठीक है, एस सेरविन की बात करूँ तो गाइज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो स्टार्टिंग के 2 मैचों में 1-1 विकेट निकाला था, लास्ट के 2 मैचों में विकेट नहीं मिला, यानी कि 4 मैचों में से 2 मैचों में विकेट निकाला, 2 में नहीं भी निकाला। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइज यहाँ पे मोदस्टी है, एल मोदस्टी मोदस्टी ने देख सकते हो गाइज यहाँ पे पहले मैच में कोई विकेट नहीं, दूसरे में 1 विकेट, तीसरे में 1 विकेट, चौथे में गाइज कोई विकेट इन्हें नहीं मिला, तो ओवरऑल गाइज यही प्लेइंग 11 इनकी रहेगी। तो ऑलमोस्ट आपको प्लेइंग 11 में बता चुका हूँ, अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे ड्रीम 11 पे, जो हमारी टीम बन के आई है उसमें हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी देखेंगे, और जो हमारी टीम बन के आई यानी कि प्राइम टीम उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान लेंगे गाइज। तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन है, हम लोगों ने यहाँ पे जी सेरियक्स के रास रखा, एम लॉयसी को आप लोग ग्राइंडिंग में ट्राई करना। ठीक है, बात करेंगे बैटिंग सेक्शन के, एम वेल्स, एस चार्ल्स और ओ चेंगू ओपन करेंगे, आपको पता इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, तो ये 3 आप लोग स्मॉल लीग में लेना, और डी स्मिथ और डी सेमी को ग्राइंडिंग में आप लोग पिक करना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ग्राइंडिंग में स्पेशल सा पिक हो सकता है। ठीक है, खासकर ड्रेन सेमी को आप लोग यहाँ पे ट्राई करना, डेटर विले भी ग्राइंडिंग में ट्राई करना। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन की, तो देख सकते हो 3 ऑलराउंडर के साथ में एम सेमी, आर स्मिथ एंड सी पोलियस ओपन करेगा आप लोग, देख सकते हो सिलेक्शन सिर्फ 13% है। ठीक, लास्ट का मैच मैंने आपको स्टैट्स बताया उसमें देखा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको डेफिनेटली ट्राई करना यार। ठीक है, जेड एमुन को आप लोग ग्राइंडिंग में ट्राई करना, के जोलियस को भी आप लोग ग्राइंडिंग में ट्राई करना, फिर यहाँ पे गाइज फ्रेडरिक है, फ्रेडरिक को भी ग्राइंडिंग में ट्राई करना, इनका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है। ठीक है, मैंने रिकॉर्ड आपको बता चुका हूँ, आप लोग वहाँ से वीडियो यानी कि पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन की, 4 बॉलरों के साथ में क्यों 3 बॉलर हमने यहाँ पे मिकॉट ईगल्स के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि मिकॉट ईगल्स की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है, इसके विन करने के चांस ज़्यादा है। देख सकते हो गाइज यहाँ पे एल मोजेस्टी को मैंने यहाँ पे पहला बॉलर, ठीक है, टी एडवर्ड, एल सेमी एंड एम चार्ली को मैंने यहाँ पे एज ए बॉलर पिक किया। ठीक है, आपके पास और ऑप्शन जो बचते गाइज एम सोल्टी को आप लोग यहाँ पे ग्राइंडिंग में ट्राई करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है, इसको भी आप लोग ग्राइंडिंग में एक कार टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल दे सकते हो। ठीक है, बाकी गाइज कोई खास ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, इनके खेलेगा तो सबका स्टैट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करना आपको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने टेलीग्राम का देख तो लिया, विनिंग देख लें, लेकिन ज्वाइन करना आपको पता नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे रखा टेलीग्राम का, ठीक है, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो सीधा आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे। अदरवाइज आप लोग टेलीग्राम पे जाकर फैंटेसी फैक्टर जो कि यूट्यूब चैनल का नाम भी है @fantasyfactor करके आप लोग सर्च करना, यहाँ पे पहुँच जाओगे, 6400 के समथिंग आप लोग को यहाँ पे मेंबर्स दिख जाएंगे, यही वाला चैनल आप लोग ज्वाइन करना। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को आफ्टर टॉस जैसे प्लेइंग 11
होती, कोई नया प्लेयर खेलता, सारा स्टेट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था आप लोगों के लिए, यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो एम वेल्स हमारे कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन हमारे यहाँ पे सी पोलियस, ठीक है। सी पोलियस को आप लोग यहाँ पे एज ए कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इनका भी आप लोग एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल दे सकते हो। टीम का फाइनल प्रीव्यू गाइस आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से हमारी टीम बन गई, काफी अच्छा टीम का कॉम्बिनेशन भी लग रहा है। सेम टू सेम कॉम्बिनेशन आपको कहाँ पे लगा लेना, बैट बॉल इन पे, क्या फायदा आपको इस मैच में यहाँ पे बैट बॉल इन पे होने वाला। तो सबसे पहले मैं आपको फायदे बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप लोग इस मैच को ओपन करोगे देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट एंट्री फीस आपको मिलने वाले, 49 वाली लीग 39 में मिलेगी, ठीक है। 1399 वाली 1340 में, 555 वाली 490 में, यानी कि गाइस बहुत ज्यादा लेस एंट्री फीस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। 99 वाली लीग आपको यहाँ पे 89 में मिल जाएगी, ठीक है। ग्रैंडिंग देख सकते हो, 2 रुपये 3 रुपये की ग्रैंडिंग यहाँ पे अवेलेबल है यार, यानी कि अगर आप लोग नए भी हो ना तब भी आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विन कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी लीग है, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा भी नहीं है, तब भी ये एप्लीकेशन आप लोग के लिए सबसे बेस्ट होने वाली, ठीक है। हेड टू हेड की बात करूंगा तो गाइस यहाँ पे सबसे लोएस्ट एंट्री फीस आपको देखने को मिलेगी ऑल ओवर मार्केट में, यही लीग आप ड्रीम इलेवन में जाकर चेक करना, जो यहाँ पे 5199 है जिसमें 10,000 प्राइस है, वही आपको ड्रीम इलेवन मिलेगी 5750 रुपये की, यानी कि गाइस यहाँ पे आपको 500 से ज्यादा रुपये एंट्री फीस कम देनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ पे डाउनलोड करो इस एप्लीकेशन को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जैसे डाउनलोड करोगे 50 रुपीज़ का आपको इंस्टेंट कैश बोनस मिलेगा। फर्स्ट डिपॉजिट करोगे गाइस यहाँ पे 100% कैश बोनस, सेकंड डिपॉजिट करोगे 75% कैश बोनस, थर्ड डिपॉजिट करोगे 50, फोर्थ डिपॉजिट करोगे 25% कैश बोनस, जो कि 10,000 तक आपको मिलेगा, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको 10,000 तक का कैश बोनस यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जिससे कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखोगे तो गाइस यहाँ पे जो सेकंड इनिंग होता है ना उसमें आप लोग देखोगे तो मैक्सिमम मैचों में आप लोग 100% कैश बोनस यहाँ पे यूज कर पाओगे, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, देख सकते हो यहाँ पे गाइस कॉल बैक का जो ऑप्शन है, नंबर, ईमेल आईडी इन्होंने दे रखी है, यानी कि कोई भी दिक्कत आएगी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ईमेल इन्हें कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉल बैक की रिक्वेस्ट भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो गाइस। इसके अलावा गाइस आप लोग देखोगे इंस्टेंट कैश विड्रॉ की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि आपका पैसा 5 से 10 सेकंड में आपके बैंक अकाउंट पेटीएम में पहुंच जाएगा, तो बेफिक्र होकर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो में बस आपको इतना ही बताना था, उम्मीद करूंगा कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आप लोग जरूर से कर देना। पहली बार चैनल पे आए हो ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर लो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को इस मैच का बहुत सारा गुड लक।